गोंडवाना के सभी गणजियों को मेरा सदा सेवा जोहार। तो चलिए सगाजन, गोंडी भाषा सीरीज का छठवां सीरीज शुरू करते हैं। बती नेंड रावण गोंगू आदु अंदु, क्या आज रावण पूजा है? इंगे तम्मू नेंड रावण गोंगू अंदु, हाँ भाई आज रावण पूजा है। रावण गोंगो गोंडी जिंदगी तसर्री अंदु, रावण पूजा गोंडी जीवन का मार्ग है। गोंगो का मतलब होता है पूजा, जिंदगी के मतलब होता है जीवन, और सर्री का मतलब होता है मार्ग। सेलाड रावण गोंगो बेगा अंदुर, बहन रावण पूजा कहाँ है? नन्ना रावण गोंगो हुली का, मैं रावण पूजा देखूंगा, हुली मतलब देखूंगा, नन्ना मतलब मैं। कोया लैंग्वेज अर्थात गोंडी भाषा, गोंडी और एक तरफ हिंदी, वरुगण अर्थात एकक, रंडगन अर्थात दुना, दुना मतलब दुगुना, मुंदगन तिगुना, नालगन चौगुना, सैगन पाँच गुना, सारगन छः गुना, येरगन सात गुना, अरगन आठ गुना, नरगन नौ गुना, पदगण दस गुना, पदुगण ग्यारह गुना, पदंदगण बारह गुना। अब वाक्य, इद नालगन अपिंदा अंदु, यह चार गुना सेब है। अपिंदा अर्थात सेब होता है। अद एरगन सारी अंदु, वह सात गुना रोटी है। अमोट नकारता जावा रंडगन येतितोम, हम रात का भोजन दो गुना करते हैं। कोया बिरंदा तुन सेवा सेवा, मुठवाल पहंदी कुपार पारी, मुठवाल पहंदी पारी कुपार लिंगो बाबाल ना सेवा सेवा, फड़ा पेंता सेवा सेवा। अब एक तरफ गोंडी और एक तरफ हिंदी। बेगा हातुर ओर, कहाँ गया ओ? हातुर मतलब गया, बेगा मतलब कहाँ। नेदे हातुर ओर, खेत गया ओ। नेदे का मतलब होता है खेत, हातुर का मतलब गया, और ओर का मतलब ओ। बोर आंदुर, ये होता है पुरुष के लिए, अर्थात होता है कौन है। बद आंदु, वो होता है महिला के लिए, उसका मतलब ही कौन होता है, कौन है। इमाट बोर, आप कौन। हथुर और, गया हो। हथु अद, गई हो। और उत्तोर, ओ बैठा है। अद इत्ता, इत्ता ओ बैठी है। नन्ना नीवा हेत किंदान, मैं आपको याद कर रहा था। नन्ना नीवा हेत किंदान, अर्थात मैं आपको याद कर रहा था। हेत किसी, अर्थात याद किया था। हेत केका, अर्थात याद करूंगा। नन्ना मिकुन पुन्नोन, मैं आपको नहीं जानता। इम्मा नाकुन चीने माती, आप मुझे पहचाना या आपने मुझे पहचाना। निकुन बत्ती उमजे माता, तुझे क्या समझता है। अब सगाजन यहाँ पे समझाएंगे कि गोंडी भाषा का सीखने का आसान तरीका, गोंडी भाषा को सीखने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है सुनना। एक लंबे समय से तक सुनते रहने से हमारे मस्तिष्क उसको समझने का अभ्यस्त हो जाता है। एक नवजात शिशु को जब बोलना सीखता है तो वह एकदम से नहीं बोलना सीखता, बल्कि वह अपने आसपास के माहौल का अवलोकन करता है, सुनता है और समझता है, फिर बोलता है। हम गोंडी सीखना चाहते हैं तो हमें
उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा, फिर पढ़ना लिखना, समय लगेगा पर ज़्यादा नहीं। अपने आसपास या घर में गोंडी बोलने वालों से आप कहें कि वह जितना हो सके उसे गोंडी में बात करने की कोशिश करे। शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा पर धीरे धीरे आने लगेगा। पढ़ने से बेहतर है सुनना, लगभग एक घंटा पढ़ने से बेहतर सुनना। इससे आपको भाषा को सीखने में लगने वाले समय में कमी आएगी और कम समय में ज़्यादा फायदा मिलेगा। सादर सेवा जोहार दोस्तों, सगा जनों।